जा रही है फाइल भाई भाई के पास। डैडी गए बैग लेके बाहर। चलो चलते हैं। आज हम जा रहे हैं अभय के पास घूमने के लिए। पायल और मैं और इसके डैडी। घर पे आएंगी दीदी, हम 2 दिन बाद आएंगे, तो आ जाइए, आपको भी घुमाते हैं, दिखाएंगे आपको वहाँ का व्यू पूरा। तो बस अब घर को लॉक कर रहे हैं, जा रहे हैं, और ठाकुर जी महाराज हैं ध्यान रखने के लिए। बस अभी लॉक ही कर रहे हैं, घर को निकल रहे हैं। राम राम जी। अभी हम दिल्ली पहुंच गए आनंद विहार। यहां से मोटो से जा रहे हैं निजामुद्दीन स्टेशन, रेलवे स्टेशन, और हम बस से आए हैं क्योंकि गाड़ी खड़ी करने की दिक्कत होती 3 दिन के लिए, तो इसलिए हम बस से आए थे। अभी हम वेटिंग रूम में वेट कर रहे हैं, हमारी ट्रेन आने में अभी काफ़ी टाइम है। क्या लाइ सारे वो देखिए ये आ गई है हमारी गाड़ी, लग गई है प्लेटफॉर्म पे, बस जाके बैठते हैं। अब मैं वीडियो बना रही थी, वो गुस्सा कर रहे थे कि जल्दी आओ, क्या वीडियो के चक्कर में लग रही हो। मैं ठीक है, आ रही हूँ फटाफट। ट्रेन नंबर 1 2 4 3 देखो कौन सी हमारी 97-98 बैठेगी इधर बैठो आप, मैं नहीं बैठी इधर, फाइल नहीं बैठो इधर। बैठ गए अपनी सीट में। गाड़ी चलती है और अब रास्ते में आगे जो शहर पड़ेगा बल्लमगढ़ रुकेगी यहाँ से चल के दिल्ली से, तो पायल की बुआ आएंगी हमसे मिलने, तो अभी मैं दिखाऊंगी आपको जब इसकी बुआ आएंगी मिलने के लिए, क्योंकि उन्हें बता दिया था कि हम वहाँ जा रहे, तो उन्होंने कहा कि मैं स्टेशन पे ही आ जाऊंगी आपसे मिलने, तो हमने ठीक है आ जाना। और ये गाड़ी पूरे बस 4-5 ही स्टॉप लेती है कोटा तक, तो अभी आगे दिखाती हूँ, अभी फुल स्पीड में चल रही है, फिर अभी दीदी आएंगी तब दिखाऊंगी आपको। बहुत भीड़ है क्यों? दिखेंगी तब है। लता वो आ रही होगी, कहाँ है?
जाओ। अच्छा अरे नित्या आ जाओ, आ जाओ क्या एक बार नित्या आ जाओ, आ जाओ। माँ कहाँ? यही आ जाओ। अच्छा वीडियो का ऐसा जोर बहुत चला है। हेलो आंटी, और बता मोटी? हाँ, कितने दिन के लिए मिल गए टाइम? हाँ तीन। कब से आती हो? अब मिलो ना मिलो, यहाँ उतर जाइयो। हाँ उठ जाइए। दे देखा गुड मॉर्निंग छुट्टी ले लिया मिल्ली पायल बुआ जी से। अब हम दीदी से मिलकर निकल गए हैं, मतलब निकले हुए काफ़ी देर होगी, मथुरा पहुंच गए हैं। और ये गाड़ी बल्लमगढ़ से सीधा मथुरा रुकी थी, यहाँ से भी निकल गई है, तो जो सवारी लेनी थी वो ले चुकी है। और अब हमारा सफ़र ये आगे जाके रुकेगी, मथुरा से आगे रुकती है ये गंगापुर सिटी, फिर सवाई माधोपुर और उसके बाद कोटा। बस चार पाँच ही स्टॉप लेती है और चेयर वाली है ये पूरी गाड़ी, मतलब जैसे स्लीपर नहीं होती इसमें सीट, ऐसी होती है चेयर वाली। और ये कुछ पहाड़ी इलाका भी है रास्ते में, जो पड़ा था कहने के लिए तो कि राजस्थान में रेत है लेकिन पहाड़ दिखे। क्या खा रहे? देखो इस तरह के ना लाल कलर के पहाड़ हैं, गुलाबी गुलाबी से, कहते हैं ना कि राजस्थानी पत्थर, जयपुरी पत्थर जो होता है वो रेड होता है, तो इसी तरह का पत्थर है यहाँ पे ये पहाड़, जैसी सिल्लियाँ होती है ना उस तरह का सूखे पहाड़ हैं। हरियाली थोड़ी कम है क्योंकि बारिश कम होती है, और इधर कीकर के पेड़ बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पानी की कमी होती है कीकर के पेड़ वहीं पे ज़्यादा होते हैं, तो ये देखने के लिए मिला इधर ऐसे पहाड़ हैं और लाल वाली कीकर है। रात हो गई है देखो, और अब हम पहुंचने वाले हैं कोटा, थोड़ी सी दूर रह गया है। देखो ये आ गया है कोटा का स्टेशन, कोटा जंक्शन, काफ़ी दूर पहले से शुरू हो गया था, अभी मैं आपको नाम भी दिखाऊंगी। ये है और काफ़ी रात हो रखी है, देखो लिख रहा कोटा जंक्शन। तो अभी बस पहुँचते हैं, इस वीडियो में इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, वहाँ को कहाँ कहाँ हम घूमे ये भी मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी, और वापसी का भी वीडियो दिखाऊंगी। ये अब एक यहाँ जाने का ट्रिप है, आप लोगों को मैंने बोला था कि आप लोगों को भी घुमाती हूँ, तो जो भी थोड़ा सा कैप्चर किया है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। अब हम ट्रेन में से उतर चुके हैं, बाय बाय एंड राधे राधे।